नमस्कार दोस्तों, स्काईलाइन यूपीवीसी डोर एंड विंडो सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं दीपक अग्रवाल आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी हमें अपने अपने घर में यूपीवीसी डोर एंड विंडो अगर इंस्टॉल करानी है तो किस तरह से एक थ्री ट्रैक विंडो प्लस फिक्स विंडो को असेंबल किया जाता है। इस वीडियो में आज आप देखने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जिन्हें विंडो लगवाते वक्त मुझे हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारी विंडो मजबूत हो, देखने में आकर्षक हो और चलाने में उसके पल्ले स्मूथ हों। तो आइए एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, कोई भी विंडो लगाने से पहले हमें ध्यान में रखना होता है कि चारों तरफ के जो सरफेस एरिया है वो क्लियर है या नहीं, कोई वहाँ पे गड्ढा वगैरह तो नहीं है या कोई पाइप या कोई सरिया वगैरह तो नहीं निकल रहा। अगर निकल रहा है तो पहले उसे काटना होता है। अभी यहाँ पर निकल रहा था तो सबसे पहले हमने सरिया कटवाया, उसके बाद हम थ्री ट्रैक विंडो के साथ में जो भी फिक्स विंडो अटैच करते हैं, सबसे पहले फिक्स विंडो जो लगानी होती है उसके ग्लास निकालने होते हैं दोनों तरफ के, या जितने भी ग्लास हैं। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम विंडो के साथ में अटैच करते हैं तो स्क्रू कसने में आसानी रहती है, वरना वो स्क्रू नहीं कस पाएंगे। तो सबसे पहले हमने इस विंडो के ग्लास निकाले हैं। ग्लास निकालने के बाद हम इस विंडो के जो भी ऊपर वेल्डिंग्स वगैरह के स्पॉट होते हैं या जो भी वेल्डिंग होती है वहाँ पर, सबसे पहले हम वेल्डिंग को क्लियर करते हैं। अभी ये वेल्डिंग फैक्ट्री में क्लियर नहीं हो पाती है, इसलिए साइट पर जाकर क्लियर करनी होती है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किस विंडो के ऊपर अटैचमेंट लगेगी या नहीं। तो जितनी भी हमारी ग्रुप्स होते हैं सारी ग्रुपों की वेल्डिंग निकालनी होती है ताकि हमारे ऊपर जो भी हम इसके ऊपर कनेक्टर लगाते हैं वो आसानी से फिट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी जितनी भी वहाँ पर ग्रुप्स हैं सारे ग्रुप्स की यहाँ की वेल्डिंग को साफ किया जा रहा है पहले। इससे हमारा कनेक्टर आसानी से फिट हो जाता है और मजबूत रहता है। उसी प्रकार जो भी हम फिक्स पार्ट उसके ऊपर अटैच करते हैं तो सेम फिक्स विंडो की फ्रेम को भी जो भी उसकी बेल्डिंग्स होती हैं उन बेल्डिंग को क्लियर करना होता है ताकि जो भी हम कनेक्टर लगाएंगे वो फिक्स विंडो और थ्री ट्रैक के ऊपर आसानी से फिक्स हो जाए। उससे क्या होता है कि मजबूती भी अच्छी तरह से हो जाती है, साथ में विंडो हिलती नहीं है और देखने में भी अच्छी लगती है, उसका जॉइंट नहीं दिखाई देता। तो आसानी से अच्छी तरह से दोनों तरफ से बेल्डिंग्स को साफ कर लेते हैं ताकि हमारा जो कनेक्टर है वो अच्छी तरह से फिट हो जाए। अब हम फ्रेम के ऊपर कनेक्टर को फिट करते हैं। कनेक्टर को दो कनेक्टर लगते हैं जनरली लगाने के लिए ताकि विंडो आसानी से फिट हो जाए, और कनेक्टर भी इतनी अच्छी तरह से लगाना होता है कि वो दोनों तरफ से फिट हो जाए, कहीं से छोटा या बड़ा ना हो। तो इस तरह से हमने पहले पहला कनेक्टर लगाया, अब हम दूसरा कनेक्टर लगा रहे हैं। हर विंडो के हिसाब से कनेक्टर आते हैं, जिस कंपनी की विंडो लगा रहे होते हैं उसी कंपनी का कनेक्टर आता है ताकि वो आसानी से अपनी फ्रेम में फिट हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम फ्रेम इसके एक कंपनी का लगाएं और कनेक्टर दूसरी कंपनी का, उससे क्या कनेक्टर एक तो फिट हो जाएगा पर दूसरा कनेक्टर फिट नहीं होगा। जिनमें छोटे फैब्रिकेटर्स होते हैं वो कनेक्टर को दूसरी कंपनी का लगा देते हैं और बाद में वो अच्छी तरह से फिट नहीं होते और विंडो जो है वो हिलने लगती है या उसकी फिनिशिंग नहीं आती है। तो अभी हमने दोनों कनेक्टर इसके ऊपर लगा दिए हैं, अब हम इसका जो फिक्स पार्ट है उसको अटैच करेंगे। अटैच करते समय हमें काफ़ी सावधानी की ज़रूरत होती है ताकि हमारी जो फिक्स पार्ट है वो आगे पीछे ना हो जाए, अगर ऐसा हो जाएगा तो वो फिटिंग में प्रॉब्लम करेगा। इसको लेवल में रखना होता है। अब हम इसे स्क्रू लगा के टाइट करेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि बहुत से जो इंस्टॉलर होते हैं वो छोटे छोटे स्क्रू लगाते हैं 50 mm का, उससे क्या होता है कि विंडो का जो स्क्रू है वो अंदर तक नहीं जा पाता और नतीजा क्या होता है कि बाद में विंडो हिलने लगती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 70 mm का स्क्रू यहाँ पर लगाया जाए जिससे कि वो नीचे तक आर पार हो जाता है, और आर पार होने के बाद जब वो नीचे निकल जाता है तो उसे बाद में कट कर देते हैं। तो एक बात और यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, जब भी हम इस विंडो को अटैच करेंगे तो
कम से कम 3 या 4 स्क्रू से इसको जरूर अटैच करना चाहिए ताकि जो हमारी अटैचमेंट है वो मजबूत हो। और जब भी स्क्रू लगाएं तो वहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारी मशीन है ड्रिल मशीन वो स्लिप ना मारे, तो इस समय बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर ड्रिल मशीन सबसे ज़्यादा स्लिप मारती है क्योंकि 2 विंडो की फ्रेमों में जो आ रही होती है उसको चीर करके स्क्रू नीचे तक जाता है, इसलिए बहुत सावधानी से और बहुत मेहनत से इस स्क्रू को लगाया जाता है। उसके बाद अटैचमेंट करने के बाद फिर विंडो को हम एरिया पर लगाते हैं, फिक्स करते हैं वहाँ पर। और इस तरह से अगर हम फिक्स करते हैं तो विंडो की फिनिशिंग भी अच्छी आती है और साथ में लगाने में भी आसानी होती है। ये देखिए कितनी अच्छी फिटिंग आई है। फिटिंग लेने के लिए ज़रूरी है कि हमारे साइज़ सही हों, सरफेस एरिया क्लीन हो और साइज़ भी अच्छी तरह से लिए गए हों, तभी हमारे विंडो की फिनिशिंग और फिटिंग अच्छी आती है। थोड़ी बहुत हमारी विंडो का साइज़ सही है और अगर कोई सरफेस एरिया ऊपर नीचे हो रहा है तो हम थोड़े से ठेक के उसे ठीक कर सकते हैं, साथ ही लगा सकते हैं। उसके बाद हम फास्टनर लगाते हैं। फास्टनर भी ज़रूरी है कि कम से कम लेफ्ट या राइट साइड में अगर हमारी हाइट 3 या 4 फुट तक है तो कम से कम 2 या 3 फास्टनर एक साइड में ज़रूर लगें। नीचे का फास्टनर लगाने के बाद हमें विंडो को साउल करना ज़रूर चाहिए क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे नीचे विंडो फिक्स हो जाए और ऊपर से अंदर या बाहर निकले, इसलिए साउल करने के बाद ही हमें फास्टनर लगाने चाहिए। फास्टनर के स्क्रू को अच्छी तरह से कसना चाहिए और फिर उनके ऊपर फास्टनर कैप लगानी चाहिए। ये देखिए अब यहाँ पे हम ये विंडो को नाप के देखते हैं कि विंडो को भी आउट तो नहीं जा रही है या विंडो तिरछी तो नहीं हो रही है, उसके बाद ही हमें फास्टनर लगाने चाहिए। अच्छी तरह से फास्टनर लगाने के बाद इस स्क्रू को अच्छी तरह से कसना चाहिए ताकि विंडो हिले नहीं या आगे पीछे नहीं हो। विंडो भारी होती है, बड़ी विंडो है, उसके पल्ले भी भारी होते हैं, जब पल्ले को चलाते हैं तो पल्ले वाइब्रेट ना हो, इसलिए हमारी विंडो की फ्रेम का होना ज़रूरी है। बाहर से नाप के और अंदर की तरफ से साउल लगाकर विंडो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जब विंडो हमारी सीधी होगी तभी हमारे पल्ले अच्छी तरह से स्मूथली स्लाइड करेंगे। अगर हमारी विंडो तिरछी होगी तो हमारे पल्ले के जो रोलर हैं वो सही तरह से स्लाइड नहीं कर पाएंगे और फिर बाद में कस्टमर शिकायत करता है कि हमारे रोलर ख़राब हैं, रोलर चेंज कर दीजिए, जबकि अगर विंडो अगर हमारी बिल्कुल सीधी लगी होगी तो रोलर कभी भी परेशान नहीं करेगा। हाँ, रोलर लगाते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे रोलर सीधे लगे हों। कई बार हमारे रोलर ऊपर नीचे या टेढ़े लग जाते हैं, उसकी वजह से वो आवाज़ करते हैं। तो रोलर चाहे कैसा भी हो लेकिन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और उसे सबसे बड़ी बात सीधा होना चाहिए। अब फास्टनर लगाने के बाद जहाँ भी अगर ज़रूरत है तो हमें बाहर की तरफ से या अंदर की तरफ से पैकिंग ज़रूर लगानी चाहिए। पैकिंग लगाने से ही हमारी विंडो असली मजबूत होती है। पैकिंग लगाने के बाद फिर स्क्रू टाइट किया जाता है जिससे विंडो बिल्कुल मजबूत हो जाती है। 3 ट्रैक की फ्रेम में स्क्रू लगाने के बाद जो हमारी अटैचमेंट विंडो है फिक्स वाली, उसमें भी फास्टनर ज़रूर लगानी चाहिए। उसमें लेफ्ट राइट और ऊपर तीनों तरफ फास्टनर लगानी चाहिए, उसी से हमारी विंडो की मजबूती आती है। क्योंकि हमारे नीचे की फ्रेम में तो साइड में और नीचे फास्टनर लग जाते हैं, बट ऊपर क्योंकि हमारी अटैचमेंट है इसलिए ऊपर फिक्स विंडो में फास्टनर लगाने ज़रूरी होते हैं। फास्टनर लगाने का काम बहुत ही सावधानी से करना चाहिए क्योंकि हमारी जगह पता नहीं है, हमें कोई हमारी बालकनी हो सकती है, छत हो सकती है, तो वहाँ पर बहुत सावधानी से लगानी चाहिए। अच्छी तरह से फास्टनर लगाने के बाद सारे स्क्रू को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी हमारा स्क्रू लूज ना रह जाए। कई बार स्क्रू जब हम लगाते हैं
तो फ्री हो जाता है अंदर से, फ्री स्क्रू टाइट भी नहीं होता और निकलता भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको काट के निकाल के और हमेशा दूसरा स्क्रू लगाना चाहिए। स्क्रू लगाने के बाद फिर हमें विंडो को बाहरी तरफ से सिलिकॉन जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हमारा ग्लास लग गया तो बाहर से सिलिकॉन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बाहर अगर बालकनी में कोई छज्जा वगैरह है तो आराम से खड़े होकर कर सकते हैं, बट अगर कोई छज्जा वगैरह नहीं है तो हमें सबसे पहले सिलिकॉन करना चाहिए। सिलिकॉन को जो हम एक साथ ही कर सकते हैं, अंदर और बाहर एक साथ कर सकते हैं, उससे क्या है बात का जो हमारा टाइम है वो बच जाता है और इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है, क्योंकि आराम से अंदर बाहर हो सकते हैं या बाहर निकल के अच्छी तरह से सिलिकॉन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो नीचे के फास्टनर रह गए थे वो भी फास्टनर लगाने ज़रूरी होते हैं, कम से कम 3 या 4 फास्टनर एक 8 फुट की विंडो में लगाने ज़रूरी होते हैं। अच्छी तरह से सिलिकॉन इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऊपर अगर आपने शर्ट लगाया भी हुआ है तभी वहाँ से पानी निकलता है। अगर हमारा सिलिकॉन अच्छी तरह से किया हुआ होगा तो अंदर पानी आने की परसेंटेज बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर। अगर ज़रा सा भी पानी आ गया तो कस्टमर कंप्लेंट करता है, इसलिए ज़रूरी है कि सिलिकॉन को अच्छी तरह से किया जाए। सिलिकॉन भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बहुत से फैब्रिकेटर पैसे बचाने के लिए सस्ता वाला सिलिकॉन लगा देते हैं, नतीजा 1 साल के अंदर अंदर सिलिकॉन क्रैक होकर निकल जाता है और फिर उसकी कंप्लेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए सिलिकॉन हमेशा अच्छी कंपनी का लगाना चाहिए। 10-20 रुपये महंगा आ सकता है बट अच्छी क्वालिटी का निकलेगा नहीं। सारे फास्टनर लगाने के बाद चेक करना चाहिए कि कोई हमारा फास्टनर कैप रह तो नहीं गया, अगर रह गया है तो उसे अच्छी तरह से लगाना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में 1 या 2 फास्टनर कैप रह जाते हैं तो बाद में कस्टमर को प्रॉब्लम होती है और देखने में अच्छा नहीं लगता। तो जितने भी अटैचमेंट के स्क्रू थे वो हमें काटने चाहिए, वो भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जब हम पल्ले डालते हैं तो पल्ले डालने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा कोई रिफ्लेक्टेड ग्लास है तो वो सीधा लगा है या नहीं। अगर हमारा ग्लास उल्टा लगा है तो सबसे पहले हमें चारों बीडिंग खोलने के बाद ग्लास को पलटना चाहिए, ताकि जो रिफ्लेक्टेड एरिया है वो बाहर की तरफ जाए और प्लेन एरिया अंदर की तरफ आए। ग्लास पलटने के बाद सारी बीडिंग को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए कि बीडिंग सारी फिट हैं, कोई लूज तो नहीं है। कई बार जो हमारे इंस्टॉलर हैं वो कोई बीडिंग लूज छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है शायद कोई ग्लास गड़बड़ा तो खोल सकते हैं, इसलिए सारी बीडिंग को अच्छी तरह से पहले बंद करना चाहिए। उसके बाद पल्ले को फ्रेम में डालना चाहिए। ये देखिए पहला पल्ला डाल दिया, अच्छी तरह से स्लाइड हो रहा है। पल्ला डालने के बाद बाहर की तरफ का जो स्टिकर है, जो एक पल्ला दूसरे पल्ले के ऊपर जब आता है तो वो स्टिकर निकलने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए ज़रूरी है कि पीछे के जो स्टिकर्स हैं वो हमेशा निकाल देने चाहिए। और चूंकि यहाँ पे बाहर पेंट नहीं होना है इसीलिए इन्होंने सारे स्टिकर्स निकाल दिए हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड ग्लास का यूज़ किया गया है इसलिए इस ग्लास को पलट के लगाया गया है, क्योंकि बाहर का रिफ्लेक्टेड एरिया और अंदर का प्लेन एरिया। अभी ये दूसरा पल्ला डालेंगे उसके भी हमें बाहर की साइड का स्टिकर निकालना पड़ता है, क्योंकि एक पल्ला दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा तो बाद में निकल नहीं पाता, इसलिए ज़रूरी है कि पहले निकाल दिया जाए। अभी दूसरा पल्ला डाल दिया है, अब इसको चला के देखना ज़रूरी होता है कि कोई आवाज़ वगैरह तो नहीं कर रहा। अभी इन सभी पल्लों में अच्छी क्वालिटी के रोलर यूज़ किए गए हैं, इसलिए ये पल्ले बहुत स्मूथ चल रहे हैं। पल्ले लगाने के बाद हमें देखना चाहिए कि हमारा पल्ला में कोई गैप तो नहीं आ रहा, अगर गैप आ रहा है तो उसे एडजस्ट करके दूर किया जाता ताकि हमारा लॉकिंग सिस्टम अच्छी तरह से काम करे। अब हमारी बारी आती है स्पैक्स लगाने के लिए। यहाँ पर हमने एल हैंडल का यूज़ किया है इसलिए यहाँ पर स्पैक्स डाले जा रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पर टच लॉक यूज़ करते तो स्पैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी स्पैक्स डालने के बाद हमने एल हैंडल यहाँ पर फिट किया है। फिट करने के साथ से ज़रूरी है कि वो हम चेक करते रहें ताकि वो अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं।
उसके बाद जो हमने स्पेक्स लगाई है वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्पेक्स के सारे स्क्रू को अच्छी तरह से कस दिया जाए। कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि कोई भी स्पेक्स का अगर एक भी स्क्रू लूज रह गया तो वो चलाते चलाते बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद वो स्पेक्स लूज हो जाती है और कस्टमर परेशान होता है, तो वो बार बार इंस्टॉलर को ठीक करके जाना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि लगाते समय हम ध्यान रखें कि जो भी स्क्रू ने लगाए हैं वो सारे लगाएं, प्रॉपर लगाएं और अच्छी तरह से कस दें उनको। एक विंडो की अच्छी फिटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी काम करते समय अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए। कई बार इंस्टॉलर जल्दबाजी में कई चीज़ें बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। उसके बाद लॉकिंग के बाद हमारी बारी आती है कीप लगाने की। कीप लगाने के लिए एक एक पहले स्क्रू लगा देते हैं, फिर हम पल्ले को लॉक करके देखते हैं कि अच्छी तरह से लॉक हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हम कीप को एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर लॉक अच्छी तरह से हो रहा है तो फिर उसका जो दूसरा स्क्रू है वो भी अच्छी तरह से कसना चाहिए। कीप में हम जब भी स्क्रू लगाएं तो कम से कम 25 mm का स्क्रू या 30 mm का स्क्रू ज़रूर लगाएं। अगर छोटा स्क्रू लगा देंगे तो वो निकल जाएगा बाहर, इसलिए बड़ा स्क्रू ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम दोनों दूसरे वाले पल्ले में स्पेक्स लगा दिए हैं, ये देखिए, और स्पेक्स भी हमेशा अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। कई बार स्पेक्स सस्ती वाले लगा देते हैं बट वो धीरे धीरे चलते चलते टाइट हो जाती है, जंग पकड़ लेगी। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हम अच्छी तरह से स्पेक्स लगाएं और अच्छी क्वालिटी के लगाएं। फिर हैंडल लगाने के बाद उसे चेक कर लें ताकि वो अच्छी तरह से काम कर रही है या नहीं। हैंडल लगाने के बाद हैंडल के स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट करना चाहिए। बहुत बार जो इंस्टॉलर है वो स्क्रू को लूज छोड़ देते हैं तो बाद में चलाते चलाते वो बाहर निकल जाता है। हैंडल लगाने के बाद स्पेक्स के सारे स्क्रू चेक करके अच्छी तरह से लगाने चाहिए और उन्हें अच्छी तरह से टाइट करना चाहिए। उसके बाद जो भी हमारे एल हैंडल काम करेंगे उसके लिए हमारे कीप दोबारा दूसरी तरफ से अच्छी तरह से लगाने चाहिए, ताकि हमारे दूसरे पल्ले का जो लॉकिंग सिस्टम है वो भी अच्छी तरह से वर्क करे। इंस्टॉलर को ध्यान रखना चाहिए कि सारे लॉक करने के बाद विंडो को जरूर चलाकर देखें ताकि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसमें। उसके बाद जब हमारा लॉकिंग सिस्टम ग्लास डोर का अच्छा तरह से हो जाता है, फिर हम जाली का पल्ला डालते हैं। जाली का पल्ला डालने के बाद फिर उसका जो लॉकिंग सिस्टम है वो लगाते हैं। बहुत से फैब्रिकेटर जो हमारा मैश का पल्ला होता है उसमें लॉकिंग सिस्टम नहीं डालते, फ्री छोड़ देते हैं उसको, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि चाहे जाली का पल्ला हो उसमें लॉकिंग सिस्टम हमेशा होना चाहिए, क्योंकि रात के वक्त अगर जाली का पल्ला लॉक नहीं करेंगे तो कोई भी बाहर से आके खोल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जाली वाले पल्ले में भी लॉकिंग सिस्टम हो। अगर ग्लास वाले में भी हमने एल हैंडल का यूज किया है तो जाली वाले में भी। अब हमारी बारी आती है साउंड प्रूफ करने के लिए इंटरलॉक लगाने की। इंटरलॉक में हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो रस पाइप है वो ज़रूर लगी होनी चाहिए। अब हम पल्ला लगाने के बाद इंटरलॉक को लगाएंगे। इंटरलॉक की ज़रूरी कि हमारे जितने भी पल्ले हैं सभी पल्लों में इंटरलॉक होनी चाहिए। जब इंटरलॉक सभी में होगी तभी पल्ला एक दूसरे से कनेक्ट होगा और गैप बंद हो जाएगा। गैप बंद होने का फ़ायदा ये है कि बाहर का जो साउंड है अननेसेसरी वो साउंड नहीं आएगा, साथ में बाहर की कोई छिपकली या कीड़े मकोड़े हैं वो पूरा सील हो जाएगा, वहाँ से कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं आएंगे। साथ में जो डस्ट आती है वो डस्ट भी रुकेगी, 100% नहीं है बट काफ़ी हद तक रुक जाती है, और उसे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। इंटरलॉक लगाने के बाद हमें पल्लों को चेक करना चाहिए कि हमारी इंटरलॉक एक दूसरे पल्ले से टकरा तो नहीं रही है। कई बार टकराने के बाद बहुत तेज़ आवाज़ आती है और कस्टमर कंप्लेन करता है। रिट्रैक के पल्ले पूरे करने के बाद फिर बारी आती है ऊपर से जो अटैचमेंट है उसमें फिक्स पल्ले डालने की। फिक्स
6 बर्नर को अच्छी तरह से डालना चाहिए और साथ ही जितनी भी बेडिंग्स हैं उस बेडिंग्स को भी अच्छी तरह से लगानी चाहिए, कोई भी बेडिंग लूज ना रह जाए, इसलिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। प्रॉपर तरीके से लगाई हुई बेडिंग फिर नहीं निकलती। पहला गिलास लगाने के बाद दूसरा गिलास लगाएंगे, सेम उसमें भी चारों बीडिंग्स को अच्छी तरह से फिट करेंगे। अगर बीडिंग्स हमारी अच्छी तरह से लगी होगी तो कभी भी तेज साउंड में हमारे ग्लास कभी भी वाइब्रेट नहीं करेंगे। एल्युमिनियम वाली विंडो में ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही घर के अंदर तेज साउंड चलेगा तो वो घर के जितने भी लूज शीशे होंगे वो सारे वाइब्रेशन करते हैं, बट UPVC की खासियत है कि अगर बीडिंग्स को अच्छी तरह से टाइट कर दिया जाए तो वाइब्रेट नहीं करेगा। बीडिंग्स को प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से टूटने के बाद उसे चेक करना चाहिए कि बीडिंग अच्छी तरह से लगी है या नहीं। अब हमारी विंडो पूरी तरह से रेडी हो गई है। चारों तरफ से लगाने के बाद फिर हमें चेक करना चाहिए कि कोई सिलिकॉन वगैरह रह तो नहीं गई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, अंदर से व्यू है ये, अब ये बाहर से व्यू है, ब्यूटीफुल विंडो लग रही है। तो फ्रेंड्स आज आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और आपकी अगर कोई इंक्वायरी है तो आप मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी या क्या आप और जानना चाहते हैं, तो मैं आपको वो ज़रूर बताऊँगा। कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।